टच में, क्योंकि उनके कुछ विधायक तो कह रहे हैं कल बैठक में भी कहा कि 15 से 20 विधायक टच में, लेकिन बिना बताए नहीं जाएंगे, इस तरह की बात आई तो बिना लालच के तो कोई असर नहीं आएगा। केवल विधायक नहीं, विधायकों के नेता हैं टच में, वही चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए, पर हमने कहा कि हम कोई प्रयास नहीं कर रहे और ना हम प्रयास करेंगे। बिना बुनियाद की इमारत को धक्का मारने की जरूरत नहीं है, हवा से ही गिरेगी। आपके टच में वही चाह रहे हैं सरकार गिर जाए, और वो कह रहे हैं हम तो फ्लोर टेस्ट और राजभवन तक परेड के लिए तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम ऐसा डर दिखाकर अपने आप को बचा पाएंगे, विधायकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यदि फ्लोर टेस्ट की बात उनको करने की जरूरत क्या है, यदि स्टेबल सरकार है, स्थिर सरकार है, तो सफाई देने की जरूरत क्या है। जब आदमी गुनाह करता है जब ही सफाई देता है, जब अल्पमत में होता है तभी इस तरह की दावे प्रत्यावे की बात करता है। एग्जिट पोल के निशान के रिजल्ट के बाद भी तो उन्होंने यही कहा था कि सरकार हमारी बनने वाली है। जब आदमी को मालूम होता है कि मैं कमजोर हूँ तो इसी तरह से दावे प्रस्तुत करके अपनी फेस सेविंग करता है। वो बड़े नेता हैं जो उनके जो 4-5 बड़े नेता हैं उनमें से कोई टच में है क्या? खुद ही नहीं चाहते हैं कि सरकार चले। जो जो हार गए उनको लगता है कमलनाथ जी ने हरवाया। कमलनाथ जी ने यदि अपने बेटे को प्रशासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके जितवाया तो सब नेताओं को लगता है कि हमारे साथ ये नजर इनायत क्यों नहीं की गई। यही तो असंतोष है।